चटपटी और तीखी शेंगदाने की लाल चटनी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक मल्टीपर्पस यूज वाली चटनी है। इसे आप पराठा, पूरी, रोटी का रोल बनाकर या फिर खाकरे के ऊपर डालकर भी खा सकते हो। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये चटनी हम कैसे बनाते हैं। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने एक कप लिए हैं शेंगदाने, ये कच्चे वाले शेंगदाने हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर सूखा जो नारियल होता है वो लिया है और इसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिए, ये आधा कप है। यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची ली हुई है, अखी वाली जो लाल मिर्च होती है उसका यूज़ हम कर रहे हैं, तो ये मैंने ली हैं 10 से 15। साथ ही में कुछ कलियाँ यहाँ पर मैंने लहसुन की ली हैं। यहाँ पर एक बड़ा चम्मच हमने जीरा का लिया है, एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये हम कलर के लिए ले रहे हैं ताकि चटनी जो है उसका कलर बहुत ही अच्छा रेड आए। यहाँ पर हमने तिल लिए हैं, ये भी हमने एक बड़ा चम्मच लिया है, एक बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने ऑयल लिया है। नमक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को जो है भून लेना है। स्लो गैस पे हम भूनेंगे इन्हें। तो सबसे पहले हम नारियल को भून लेते हैं। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसके हमने भूनना है ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। तो नारियल हमारा यहाँ पर भून रहा है और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गीला वाला नारियल नहीं, सूखा हुआ नारियल जो होता है वो लिया है और इसे आप क्रश करके भी भून सकते हो। मैंने यहाँ पर इसके पीसेस किए हैं। तो ये हल्का हल्का भून चुका है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। तो नारियल के बाद अब हम इसमें शेंगदाने डालते हैं और इन्हें भी हम भून लेते हैं। हमने इसे तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा इस तरह से क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि हमें इसका जो छिलका है वो उतारना है। तो इसे 2 से 5 मिनट लगेंगे भूनते हुए, क्योंकि इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम नहीं भूनेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे जब हम भूनते हैं तो ये कहीं कहीं से काले हो जाते हैं और कहीं से बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। तो इसे हम स्लो से ये मीडियम फ्लेम तक ही रख के इसे हम भूनने वाले हैं। तो शेंगदाने भी यहाँ हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम मिर्ची को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा ही इसे भी रोस्ट करना है, थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाए ताकि पीसने में आसानी हो। तो हम इसे भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेते हैं। तो मिर्ची भी हमारी यहाँ पर रोस्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो इसकी आवाज़ आ रही है इस तरह से, तो पता चल रहा है ये रोस्ट हो चुकी है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें ये तिल डाल के इन्हें भी भून लेंगे। सारी चीज़ों को रोस्ट करने से जो हमारी चटनी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, पीसने में भी आसानी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो तिल जो है हल्के हल्के इस तरह से क्रैकल होने लगे हैं। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारे तिल जो हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब रह गए हैं सिर्फ जीरा, तो जीरा को भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं जीरे को डाल देती हूँ और इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा सारी चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट किया है और हमने सारी चीज़ों को मीडियम से लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया है ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो जीरा भी हमारा यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। गैस को हम कर देते हैं बंद और इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब जो ये लहसुन की कलियाँ हमने ली है इन्हें भी हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसे मैं भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो सारी चीज़ें जो हमने रोस्ट की हैं इन सबको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और जो हमने शेंगदाने भुने हैं उसके तो हमें छिलके उतारने हैं। तो ये सारी चीज़ें रोस्ट होने के बाद सबसे पहले हम उसके छिलके उतार लेंगे और फिर एक एक करके हम उसे पीसेंगे। और ये चटनी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हो, खाकड़े के साथ खा सकते हो, वड़ा पाव के साथ खा सकते हो, रोटी में लगा के उसका रोल बना के खा सकते हो। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज चटनी है, इसे आप जरूर एक बार बनाइए, आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो यहाँ ये लहसुन भी हो चुके हैं रोस्ट, गैस को कर देते हैं बंद। यहाँ पर सारी चीजें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं, तो अब सबसे पहले हम जो ये शेंगदाने हैं इनके छिलके उतार लेते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में डाल के मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है फ्रेंड्स, गर्म में तो इसका छिलका उतरेगा भी नहीं जल्दी से। तो एक प्लेट में डाल के इस तरह से मैं इसे मसल लूंगी हाथों में ताकि इसका छिलका जो है निकल जाए और फिर हम इसे छिलके को अलग कर लेंगे शेंगदाने से। तो यहाँ पर शेंगदानों के छिलकों को मैंने निकाल दिया है, बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं।
तो एक एक करके अभी सारी चीजें हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंडनट जो है इन्हें मैं पीस लेती हूँ। थोड़ा सा हम इसे दरदरा ही पीसेंगे, बहुत ज्यादा पाउडर नहीं करेंगे इसका। तो मैं पीस के आपको बताती हूँ कि इसे कैसे पीसना है। तो शेंगदानों को हमने पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इसे मैंने नहीं घुमाया है, बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म नहीं किया है। कुछ कुछ बीच में आप देख सकते हो बड़े टुकड़े भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इसे पीसना है। तो ये हो गया हमारा पीस के, और अब हम पीस लेते हैं नारियल। तो मिक्सर के उसी जार में अब हम नारियल को डालते हैं, और इसे हम महीन पीसने वाले हैं। तो इसे भी मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो नारियल को भी हमने पीस लिया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ हमारा नारियल और शेंगदाने को हमने पीस लिया है। तो अब हम इसमें मिर्ची डालते हैं और इसे भी हम पीस लेते हैं। मिर्ची को भी हमने यहाँ पीस लिया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और इसी जार में अब हम डाल देंगे तिल, जीरा, और साथ ही में हम लहसुन को भी पीसने वाले हैं। तो ये तीनों चीजों को हम एक साथ पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजों को भी हमने पीस लिया है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सारी चीजों को रोस्ट करने के बाद हमने उन्हें अलग अलग से इस तरह से पीस लिया है, और बहुत ही बढ़िया एरोमा फैल गया है मेरे किचन में। ये खास करके ये जो हमने तीनों चीजों को मिक्स करके पीसा है, इसकी तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अभी आगे इसे कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में हम तेल डाल लेते हैं। एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल का लिया है। तेल को हल्का सा हम गर्म करते हैं। ऑयल यहाँ हल्का सा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले ये जो तीनों चीजें हमने मिक्स करके पीसी थी ना, वो हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि लहसुन जो है वो कच्चा होता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसे हम थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। बस इस तरह से हमने इसे कर लिया रोस्ट। तो यहां मैंने इसमें नारियल भी डाल दिया है। नारियल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ग्राउंडनट। तो एक एक करके सारी चीजें मैं डाल रही हूं इसी मिक्सर में, और इसी के साथ हम मिर्ची को भी इसमें डाल देते हैं। तो सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। गैस हमारी स्लो पे है। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहां सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। हमने पहले बिल्कुल नमक यूज नहीं किया है, तो उसी हिसाब से हम नमक डाल देंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं इसमें। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ये तेज नहीं होती है, ये सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं। हमने जो मिर्ची पीसी है इसमें वो तीखी होती है, बट उससे इतना कलर नहीं अच्छा आता है चटनी का, इसलिए जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है वो डालना जरूरी हो जाता है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप जो हमने लाल मिर्ची ली थी अक्खी वाली, उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है तैयार होगी। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, बिल्कुल रेड कलर आया हुआ है। तो बस ये तैयार है। सारी चीजें अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इससे गैस को अब बंद कर देते हैं, और हमारी जो चटनी है बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये चटनी फ्रेंड्स हम इसे आराम से स्टोर करके यूज कर सकते हैं। ये 2 से 4 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं, बाहर भी रखोगे तब भी ये चटनी बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे जरूर बताना। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, इस चटनी को ट्राई कीजिए। ये मल्टीपर्पज यूज की चटनी है। घर में अगर ये हो तो आसानी से बच्चे इसे पराठे के साथ खा सकते हैं। पराठे पे थोड़ा सा घी डालिए और उसके ऊपर ये चटनी डालिए और खाइए। बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये। तो आपको मेरी अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और नई और मजेदार रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी में घी लगाकर उसमें चटनी डालकर उसका एक रोल बना लिया है और उसे पीसेस में कट कर लिया है। तो कभी बच्चे अगर कोई सब्जी पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें इस तरह से रोटी या पराठे का रोल बनाकर सर्व कर सकते हो, जिसे बच्चे बहुत मजे से खा लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।